शास्त्रीनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। मैं आपको इनका एक प्रेरक प्रश्न सुनाना चाहता हूँ। जब ये अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए थे तो एक अंग्रेज ने इनसे नमस्ते किया तो इन्होंने उससे हाय किया, और जब अंग्रेज ने इनको हाय बोला तब नरेंद्र ने इनको नमस्ते बोला। तो जब अंग्रेज ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बोला, जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान किया। इन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जय हिंद। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं मेरे प्रिय नन्हे मुन्ने भैया बहनों, आज विवेकानंद जयंती है। आज इसे युवा दिवस के नाम से भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता नगर में हुआ था। इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। आज मैं आपको इनकी एक घटना बताने वाली हूँ। एक बार यह इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने उनसे प्राप्त ज्ञान को विदेश में प्रचार करने के लिए जाने को सोचा। तब वह अपनी माँ से आशीर्वाद लेना चाहे। तब वह अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा, माँ मैं विदेश जा सकता हूँ? तो उनकी माँ ने कहा, हाँ, लेकिन तब जब मैं सब्जी काट लूँ तब। तो उन्होंने कहा, ठीक है माँ। तो वह सब्जी काटने के लिए नरेंद्र से चाकू मांगी। नरेंद्र ने चाकू दिया और माँ से कहा, माँ इसे संभाल कर पकड़ना। तब उन्होंने कहा, वह खुश होकर कहीं और कहीं तुम विदेश जा सकते हो। उन्होंने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने उसकी धार पकड़ी थी और मुझे जहाँ से उसको पकड़ा जाता है तुमने मुझे वहाँ से दिया था, क्योंकि तुम अपने आप को दुख दे रहे हो और दूसरों को सुख देना चाहते हो, इसलिए तुम विदेश जा सकते हो। विदेश जाकर जहाँ पर तुम्हें कठिनाई मिलेगी वहाँ पर तुम अपनी कठिनाई को सहोगे और दूसरों को सुख दोगे। धन्यवाद।